असल चीज के जो 1400 साल श्रेष्ठ है तो किसी के जिन में भी नहीं आ सकती थी किसी इंसान के। आज इल्म-उन-नफ्स साइकोलॉजिस्ट के जितने माहरीन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तहकीक के बाद ये पहुंचे हैं कि इंसान के जिस्म के अलावा एक और शय भी है जिसे उसकी पर्सनैलिटी या जात कहा जाता है, गैर मरी गैर मासूम, लेकिन वो इंसान का हर मासूस अमल ही नहीं बल्कि उसका ख्याल, ख्वाहिश, इरादा, आरजू तक भी जो उसके दिल में गुजरती है जिसे हम कहते हैं, इंसान की जात पर उसका भी असर होता है। इंसान का हर ख्याल और उसका हर अमल उसकी जात पर एक नक्श मुर्तसम करता है। जिस किस्म का वो ख्याल, इरादा या अमल होगा उस किस्म का नक्श वहां पैदा हो जाएगा, और यही वो नकूश है इंसान के जिनको इंसान का आमालनामा कहा जाता है। जिस्म यहाँ मौत के बाद खत्म हो जाएगा, इंसान की जात इन नकूश को अपने साथ लिए हुए आगे चलेगी। इस सतह जिंदगी के ऊपर वो नकूश हमारी निगाहों से पिन्हा होते हैं, हम नहीं उनको देख पाते, लेकिन अगली सतह जिंदगी पे कुरान ये कहता है कि वो नकूश बारिज होकर, मुतमयिज होकर, नुमाया होकर, उभर कर हर एक के सामने आ जाएंगे। यूं हर उसका अमल और इरादा जो माकूल किया गया होगा वो उसके सामने आएगा और उसके नतायज फिर उसको भुगतने होंगे। नतायज भी सामने आएंगे, भुगतना क्या, इंसान की जात ही उसको भुगतती है, ये अलग बात आ गई अब। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आज इल्म-उन-नफ्स भी इस नतीजे पर पहुंचा है कि इसका असर इंसान की जात पर होता है और इंसान की जात उसके जिस्म के साथ मरती नहीं है। यहाँ तक तो ये लोग पहुंच चुके हैं, बात दूर चली जाएगी, वरना यही है कि वो जोंग भी सर्वाइवल तक पहुंचा था कि मरने के बाद वो बाकी तो रहती है। इमॉर्टैलिटी की तफ्तीश कर रहा था कि क्या वो अबदी होती है, लेकिन बहरहाल ये चीज तो आज इल्म-उन-नफ्स भी ये चीज जो है तय कर चुका है कि इसका असर इंसान की जात पर होता है जिसे पर्सनैलिटी साइके कहते हैं,